फिरोजाबाद के सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग द्वारा अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर सिविल लाइन डबरी पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया, जिसमें इंजीनियर संघ द्वारा काला फीता लगाकर शांतिपूर्वक एवं एक दिवसीय धरना दिया गया। देखिए फिरोजाबाद से सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। वरिष्ठता सूची जारी न करना और इसमें 22 सूत्री मांगे हैं और मानव संपदा पोर्टल पर जूनियर इंजीनियर्स की सेवा विवरण जो के शासन के द्वारा जो है दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार पोर्टल पर अपलोड न करना, इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो 22 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है, वो 27 जुलाई 2024 तक ये काला फीता बांधकर हम लोगों ने विरोध किया है। इसके बाद में आज हमारा एक दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर जो चल रहा है, इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग आपको यहीं चल रहा है और कहीं भी चल रहा है पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में और सभी जन संपर्क के हम सभी लोग हैं, डिप्लोमाधारी इंजीनियर हैं हम सभी लोग, और हमारी जो भी समस्याएं होती हैं सेवा संबंधी मामले होते हैं उसके लिए हमारे विभाग के प्रमुख अभियंता परियोजना उनके निस्तारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया, बहुत लंबे समय से हमारी तमाम तरह की समस्याएं जैसे कि अभी हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने बताया लंबे चली आ रही हैं, लेकिन उनके निस्तारण के लिए हमारे उच्चाधिकारी कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने अनेकों बार उनसे पत्राचार किया, अनेकों बार उनसे मिलके हमारी समस्याओं के निस्तारण के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा हमारी समस्याओं पर कोई भी निस्तारण हेतु ध्यान नहीं दिया गया। अंततः हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया कि एकमात्र संघर्ष ही हमारे लिए समस्याओं के निस्तारण के लिए हमारा मार्ग है। तो उसके लिए आह्वान किया गया हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा, उसके अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई 2024 से निरंतर हमारा क्रमिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 22 जुलाई 2024 से दिनांक 27 जुलाई 2024 तक हमें हमारे समस्त कार्यालयों में और कार्यस्थलों पर अपने बाजू पर काला फीता बांधकर कार्य करना था, जिसमें हमने बाजू पर काला फीता बांधकर कार्य किया एवं दिनांक 27 जुलाई 2024 को माननीय सिंचाई मंत्री जी को अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए और उनके समाधान के लिए अनुरोध करते हुए पोस्ट का लेखन का कार्य पूरे प्रदेश में हम लोगों द्वारा किया गया, अलग अलग जनपदों में खंडवाद किया गया। उसके उपरांत हमें 30 जुलाई 2024 को माननीय मंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित करना है, जिसमें हमें अपनी समस्याओं के प्रति उनको अवगत कराना है। इसी क्रम में अगर हमारी ये समस्याओं का समाधान अभी तक भी नहीं होता है तो इसी क्रम में दिनांक 7 अगस्त 2024 को मंडलायुक्त महोदय के कार्यालय पर हमारा एक मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा, वह भी हमारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है। अगर इसके उपरांत भी हमारे प्रमुख अभियंता परियोजना महोदय द्वारा हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो उसके बाद दिनांक 22 अगस्त 2024 है अनवरत हमारा निश्चितकालीन प्रदेश व्यापी धरना कार्यक्रम प्रमुख अभियंता महोदय लखनऊ कार्यालय पर हमारा जारी होगा। उसके उपरांत जो भी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा हम लोगों को जो निर्देश दिए जाएंगे उसी क्रम में हम लोग जैसा हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम अपना कार्यक्रम करेंगे, और जो भी हमारी जो मांगे हैं हमारी बिल्कुल ही जायज मांगे हैं और हमारी सेवा संबंधी समस्त मामले हैं और उसको हम लेकर रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और हमें हमारे माननीय मंत्री पर हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो भी नीतियां तैयार की हैं वो हम लोगों के हित में तैयार की हैं और हमारा जो भी हमारे जो लड़ाई है हमारी ना तो हमारे प्रशासन से कोई लड़ाई है, ना हमारे शासन से कोई लड़ाई है, ना हमारी सरकार से कोई लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है हमारे प्रमुख अभियंता परियोजना महोदय से हमारी लड़ाई है, और लड़ाई भी कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं है, हमारे जो सेवा संबंधी जो नियमित मामले हैं वो हमारे पूर्ण कर दें, इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी मांग नहीं है।